वेलकम टू पाकिस्तानी ड्रामाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रकीब से कि आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रफ़ीक अली ने, मसूद साहब ने रफ़ीक अली के आगे एक शर्त रख दी है और उसकी ज़मीन को छुड़वाने के बारे में बात की है और उनको बोला है कि मैं यहाँ से सकीना को ले जाना चाहता हूँ, कल रात की ट्रेन से मैं वापस चला जाऊँगा। यहाँ पर रफ़ीक अली को के मुंह से तो रालें टपकना शुरू हो गई हैं और उसने जाकर सकीना को मनाना शुरू कर दिया है कि तू कभी नहीं चाहती कि मेरा कोई भलाओ हो जाए, मुझे भी कोई ज़मीन मिल जाए, चली तू चली जा, वैसे तो पिंड में सारे मेरी बदनामी हो ही गई है। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि अब्दुल्ला यहाँ इंशा को इस्तेमाल कर ही जा रहा है, सिर्फ उसको ये पता है कि इंशा की फैमिली वो सब काम कर सकती है जो अब्दुल्ला नहीं कर सकता या उसके घर वाले नहीं करवा सकते। वो अब्दुल्ला इंशा से कहता है कि तुम्हारे ताया जी ये काम कर सकते हैं, तो आगे से इंशा साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है हरगिज़ मत सोचना कि मैं ऐसा कोई भी काम करूँगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि अमीरा हाजरा जी से पूछ रही होती है कि आखिर मसूद साहब को आपसे मोहब्बत हो गई थी, तो आगे से वो कहने लगती है कि नहीं, मेरे अब्बा इनके बहुत अच्छे दोस्त थे तो उसकी वजह से हमारी मुलाकात होती रहती थी लेकिन कभी आपस में बात नहीं थी हुई। आगे से अमीरा कहती है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं थे करते इसी वजह से। आगे इस ड्रामे में क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।